नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखते हैं कि जब पति पत्नी विमान में झगड़ते हैं तो क्या हालात बनते हैं। तकनीकी खराबी के कारण विमान की इमरजेंसी की लैंडिंग की खबरें तो आपने अक्सर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि विमान में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के कारण विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो। यह वाकया दोहा से बाली जा रहे विमान में उस वक्त हुआ जब भारत के आसपास से विमान गुजर रहा था। झगड़े के बाद विमान को तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। ईरानी दंपति रविवार को कतर एयरवेज के विमान QR 562 में अपने बच्चे के साथ सवार हुए थे। जिस वक्त विमान भारत के रास्ते से बाली जा रहा था उस वक्त दोनों नशे में थे। इस दौरान पति की आंख लगी लेकिन पत्नी जाग रही थी। पत्नी ने पति का फोन निकाला और नशे में धुत पति का अंगूठा फोन में लगाकर उसे स्कैन कर लिया। इसके बाद पत्नी मैसेजेस देखकर हैरान रह गई। उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वह सीट पर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हंगामा सुनकर महिला का पति भी जाग गया। सारे यात्री इस महिला के हंगामे से परेशान हुए। कई बार क्रू मेंबर्स के समझाने का भी इस गुस्साई महिला पर कोई असर नहीं हुआ। तब विमान का रूट डायवर्ट कर चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पति पत्नी को विमान से उतारा गया और विमान को आगे बढ़ाया गया। पूछताछ के बाद दोनों को दोहा भेज दिया गया। पति ने इस घटना के लिए माफी मांग ली है, इसलिए कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। हालांकि उनकी पहचान को जाहिर नहीं किया गया है।